मित्रों, सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाने वाला शक्तिपीठ, जहां आध्यात्म व आस्था का स्थल भी कहा जाता है। शक्तिपीठ कोई एक स्थान नहीं है, बल्कि जहां जहां देवी सती के अंग गिरे हैं, वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है। देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिवचरित्र में 51 एवं दुर्गा सप्तसती और तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या कुल 52 बताई गई है, परंतु आमतौर पर 51 शक्तिपीठ ही मान्य है। ये 51 शक्तिपीठ केवल भारत में ही नहीं, बल्कि कई अन्य देश जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तिब्बत तथा नेपाल में भी फैला हुआ है, जिसमें भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ मौजूद हैं। देवी पुराण में केवल 51 शक्तिपीठों की ही चर्चा की गई है, जो इस बात का साक्षात प्रमाण है कि देवी सती के अंग अब भी इस धरा पर मौजूद हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि 51 शक्तिपीठों का निर्माण कैसे हुआ व इनके कौन कौन से नाम हैं। मित्रों, 51 शक्तिपीठों के बारे में एक कथा प्रचलित है, जो कई पुराणों में वर्णित है। कहा जाता है कि ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से भगवान शिव का विवाह हुआ। कुछ समय बाद दक्ष को पूरे ब्रह्मांड का आधिपत्य प्रदान हो गया। इसे दक्ष में अभिमान आ गया, वह अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगे। एक बार एक यज्ञ में भगवान शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, जिसे दक्ष क्रोधित होकर शिव को श्राप दे दिए कि उन्हें देव यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलेगा। यह बात सुनकर शिव के नंदी ने भी दक्ष को श्राप दे दिया कि जिस मुंह से आप श्राप दिए हैं वो बकरे का हो जाए। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब यह बात शिव की पत्नी सती को पता चला, तो देवी सती ने शिव से अपने पति के यहाँ जाने की अनुमति मांगी। तो पहले तो शिव ने सती को समझाया, परंतु न मानने पर उन्हें जाने की इजाजत दे दिए। जब सती अपने पिता के घर पहुँची, तो दक्ष ने उनसे आंखें फेर ली। सती उस भव्य यज्ञ में अपने पति को न पाकर अत्यंत रुष्ट होकर अपने पिता को भला बुरा भी कही, जिसे सुनकर दक्ष ने शिव की निंदा प्रारंभ कर दी। जिसे सुनकर सती को अत्यंत दुख हुआ और वह क्रोधवश हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब यह बात शिव को पता चली, तो भगवान शिव अत्यंत क्रोध में आ गए। उन्होंने अपनी जटा को उखाड़कर जमीन पर दे मारा, जिससे वीरभद्र व महाकाली प्रकट हुई। शिव ने उन दोनों को दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने की आज्ञा दी, जिससे वीरभद्र ने फलभर में उस यज्ञ को विध्वंस कर दक्ष के सर को काटकर यज्ञ कुंड में फेंक दिया। यह देखकर देवताओं में हड़कंप मच गया और सभी देवी देवताओं ने शिव की स्तुति करना शुरू कर दी, जिससे शिवजी ने राजा दक्ष को बकरे के धड़ जोड़कर जीवित कर दिया। बाद में शिव की अनुमति से दक्ष ने अपना यज्ञ संपन्न भी किया, परंतु शिव अत्यंत क्रोध में सती के शव को लेकर अपने कंधों पर रखकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इसके प्रताप से सारी धरती जलने लगी। तब विष्णु ने शिव के सती का मोह भंग करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। देवी सती के शरीर के टुकड़े इस धरती पर जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। भारत सहित अन्य देशों में भी जो शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, वो कुछ इस प्रकार है: इंगलाज, सरकररे, सुगंधा, महामाया, ज्वालाजी, त्रिपुर मालिनी, बैद्यनाथ, महामाया, दक्षायनी, बिरजा, गंडकी, बहुला, उज्जयनी, त्रिपुर सुंदरी, भवानी, भ्रामरी, कामाख्या, प्रयाग, जयंती, युगाधा, कालीपीठ, किरीट, विशालाक्षी, कन्याश्रम, सावित्री, गायत्री, श्री शैल्य, देवगर्भा, कालमाधव, सोनदेश, शिवानी, वृंदावन, नारायणी, वाराही, अपर्णा, श्री सुंदरी, कपालनी, चंद्रभंगा, अवंती, भ्रामरी, सर्व शैल स्थान, गोदावरी तीर, कुमारी, कालिका, जयदुर्गा, महिषामर्दिनी, यशोरेश्वरी, फुल्लरा, नंदिनी, इंद्राक्षी और अंबिका। जब सती के पूरा शरीर कटकर गिर गया, तब भगवान भोलेनाथ अति दुखी अवस्था में कैलाश पर्वत पर एकांतवास धारण कर लिए। तो मित्रों, ये थे 51 शक्तिपीठों की कहानी। इससे जुड़े और भी वीडियो के लिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।